ईविल आई या नजर, ये होता क्या है, ये फंडा क्या है? मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कहते रहते हैं अरे इसे नजर लग गई है, अरे इसे उसकी नजर लग गई है, या ऐसा मत कर नजर लग जाएगी। इसका एक्चुअल मीनिंग कोई जानता नहीं है। अक्सर हम नजर का मतलब क्या समझते हैं, या फिर नजर लगने का मतलब क्या समझते हैं, कि जब हमें कोई जेलेसी से देख लेता है, या फिर कोई ईर्ष्या भावना से हमसे कोई चिढ़ जाता है, या फिर नजर लगा देता है कोई चीज को देख कर, इसके पास ये चीज है लाइक दैट, उससे नजर लग जाता है। सेकेंडरी हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि किसी ने जादू टोना कर दिया, या फिर काला जादू कर दिया तो नजर लग गई। ये ऐसे ऐसे तो एग्जाम्पल दे दिया हूँ। लोग सोचते हैं, नंबर ऑफ रीजन लगाते हैं, गलती उनकी नहीं है एक्चुअली, बस उन्हें सुनाया गया कि नजर लगता है या नजर होता है, बट किसी ने उसका प्रूफ या फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अच्छा, उसके पहले मैं ये बता दूं, ये आजकल मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, एकदम साफ सिंपल शब्दों में कहूँ, इट्स ऑफ नो यूज, बकवास चीजें हैं ये, कभी और वीडियो पे बताएंगे। खैर, अभी नजर पे आते हैं, होता क्या है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। एक चीज समझिए, नजर कोई आंख या नजर ऐसे नहीं होती, नजर इन द सेंस, या फिर इविल इन द सेंस, आप ये कह लीजिए कि हर एक बॉडी का, मतलब आप ये तो जानते हैं कि हर बॉडी का एक ऑरा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है, एक एनर्जी फील्ड रहती है, जैसे ये इस पे डायग्राम पे दिखा नहीं, बट ऐसे करके हर एक इंसान की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है, या फिर ऑरा रहता है। अब वो ऑरा ऑन एन एवरेज एक इंसान का 4 से 6 इंच का रहता है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो अगर एवरेज देखे तो 4 से 6 इंच का ऑरा रहता है, इतना ये एवरेज बात कर ले। अब ये डिपेंड करता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश है तो ये ऑरा बढ़ भी सकता है। बड़े बड़े संत महात्माओं का ऑरा इतना ज्यादा रहता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, नजर किसे कहते हैं? नजर एक इंसान की पावर किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, ये है, ये जो इंसान है उसकी पावर किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की, वेदर इट कैन बी नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी, अगर वो किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को अगर कहें तो वो एक्चुअली कहलाता है नजर। और हर इंसान के पास डिफरेंट कैपेसिटी होता है किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। मेरा अलग होगा, किसी और का अलग होगा, आप लोगों का अलग होगा, हर का अलग अलग कैपेसिटी रहता है कि किसी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। और इसी में अब होता क्या है कि व्हेन वी इंटरेक्ट विद द पीपल, लेट अस सपोज मैं किसी से मिल रहा हूं, या फिर दो पर्सन जब मिल रहे हैं, तो जब उनका ऑरा, ऑफकोर्स सी बात है, आपस में टकराता है, ऑरा भी इंटरेक्ट करता है, तो उस वक्त होती है एनर्जी एक्सचेंज, और वहां फिर नजर का खेल चालू होता है। अब ये कैसे होता है, अगर मैं इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, ये दो पर्सन है, लेट अस सपोज ये ए है, ये बी है, इसका अपना अपना ऑरा है, ए का भी, ये देखिए ये ऑरा बना हुआ है, ये बी का ऑरा है, ये दोनों आपस में मिले, मीटिंग में मिल लिए, या फिर फ्रेंड्स हैं ऐसे मिल लिए, जो भी मिल लिए, इन द सेंस कि वो लोग दूर भी खड़े रहेंगे तो ऑरा इंटरेक्ट करेगा, जरूरी नहीं मिलना मतलब हग करना, गले लगना, हाथ मिलाना, ये तो चलिए फिजिकल मिलना हो गया, बट अगर वो लोग तुम थोड़ा सा दूर भी खड़े, इवन अगर कॉल पे भी बात कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज उससे भी होती है, जरूरी नहीं कि उसके लिए फिजिकल मिलना जरूरी है, इससे आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज होगी, ऑरा मिलेगा। तो ये एग्जांपल लेते हैं, ये ए का ऑरा है, ये बी का ऑरा है, ये दोनों मिल रहे हैं। अब लेट अस सपोज ए के पास है 50 यूनिट ऑफ एनर्जी, बी के पास है 20 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो ये ऑफकोर्स सी बात है ए के पास 50 यूनिट्स एनर्जी है, तो ए थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हुआ एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी की एनर्जी लो है तो थोड़ा नेगेटिव हुआ। अब जब ये दोनों मिलेंगे तब क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हुई, और कभी भी एनर्जी एक्सचेंज में सब बड़े नंबर से हमेशा छोटी एनर्जी माइनस होती, तो यहां पर 50 माइनस अगर 20 करते हैं अपन तो आ जाता है टोटल 30, मतलब जो जो एनर्जी बची, जो ड्रेन्ड एनर्जी, ड्रेन्ड होने के बाद जो एट लास्ट एनर्जी बची वो 30 यूनिट बची। किसकी 30 यूनिट बची, ए की 30 हो गई, क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात आप कभी नोटिस करिएगा, जब दो आदमी मिलते हैं तो जो पॉजिटिव रहता है वो नेगेटिव इंसान को थोड़ा सा खुश कर देता है, या फिर नेगेटिव वाला इंसान ना पॉजिटिव इंसान के साथ रहकर थोड़ा अच्छा फील करने लगता है, क्यों, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी वो ले लेता है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव करता है। तो यहाँ बी का तो चलिए बी अच्छा थोड़ा सा मतलब अच्छा खुला महसूस करने लगेगा, फ्री महसूस, बट यहाँ ए को दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। ये मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दिया हूं, ऐसे एन नंबर ऑफ रीजन है कि कुछ हो सकते हैं, जैसे आप ही हैं या कोई भी, हमें से कोई भी हो, दिन में 10 जगह इधर उधर जाते हैं, 10 लोगों से बातें करते हैं, तो समझिए एनर्जी ऐसा जरूरी नहीं हो सकता हमसे 50 से ऊपर वाला कोई मिल जाए तो हमारी बढ़ जाए, तो हम दिन में 10 अलग अलग टाइप के काम करते हैं, 10 अलग अलग लोगों से मिलते हैं, 10 जगह फोन करते हैं, हमारी एनर्जी ऊपर नीचे होके जब हम लो फील करने लग जाए, लो फील इन द सेंस जब किसी की एनर्जी एकदम ज्यादा कम हो जाती है ना, लेट अस सपोज ये तो 50 यूनिट की बात कर लिया, जब एनर्जी एकदम ज्यादा लो हो जाएगी तब आप बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करना चालू कर देते हो, क्यों, क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव हो।
एक बात तो है, जो इंसान जैसा रहेगा वो उस चीज को अट्रैक्ट करेगा। कहते हैं ना पैसे पैसे को खींचता है, वो ऐसे नहीं कहते, साइंटिफिक प्रूफ है उसके पीछे, पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो जो पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव रहेगा वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो भैया समझिए एक चीज, एक की एनर्जी पूरी ड्रेन्ड हो गई, वो नेगेटिव हो गया, तो वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। वो अट्रैक्ट कैसे होगी? हो सकता है उसका तबियत खराब हो जाएगा, हो सकता है उसके स्टोमक पेन चालू हो जाएगा, हो सकता है छोटे मोटे एक्सीडेंट से मिल जाए। अब उसी को लोग कंक्लूड कर देते हैं कि भैया इसको नजर लग गई है। वो लगती नहीं है, वो एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ चीजें, पेट खराब, तबीयत खराब या कुछ भी। अब इसका सॉल्यूशन कैसा किया जाए? अब सॉल्यूशन पे आते हैं। कभी भी कुछ चीज होता है हमारे साथ बुरा या अच्छा भी, उस पर मेजर रोल प्ले करता है हमारे चक्रास और फाइव एलिमेंट्स। फाइव एलिमेंट्स को अगर बैलेंस आप कर लेते हो तो चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चालू हो जाता है, या फिर आप चक्रा भी बैलेंस कर लोगे तो वो चक्रा बैलेंस कहीं ना कहीं फाइव एलिमेंट्स के किसी एक एलिमेंट से बैलेंस होता है। तो उस पर आते हैं अगर सॉल्यूशन पे देखें। अब आप समझिए आप नेगेटिव हो गए मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी डिसबैलेंस है, एनर्जी तो पूरी लो है, डिसबैलेंस भी है, वो प्रॉपर है ही नहीं। अब आप कैसे करेंगे उसको, सुधारेंगे कैसे? फाइव एलिमेंट्स स्टार्टिंग करते हैं फायर से। फायर, ठीक है, फायर होता क्या? फायर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है। आप कभी नहीं देखेंगे आग जलाए वो नीचे जा रही है, उसको नीचे भी करेंगे ना तो उसका जो टिप रहेगा वो ऊपर आते रहेगा, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती है। तो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो बॉडी में रहती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, अच्छा एनर्जी कभी भी न्यूट्रलाइज होती है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वो चैनलाइज होती है। तो फायर क्या काम करता है कि जो नेगेटिव एनर्जी आपकी बढ़ी हुई रहती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सेम वाटर के साथ, वाटर अच्छा फायर का जैसा कैसे यूज करें, आग में जलने का नहीं है भैया। फायर के जैसे आप देखे होंगे आरते उतारते हैं, या कई लोग देखे होंगे, कई लोग मम्मी लोग करते होंगे वो मिर्ची वगैरह पूरा ऐसे घुमा के उससे जला देना हवन या फिर छोटा वगैरह में, वो फायर का वर्क है, फायर वैसे वर्क करता है। सेम वाटर, वाटर का इजी टेक्निक कुछ ऐसा नहीं है, नहा लीजिए, वाटर बात कर लीजिए, हो जाएगा, वाटर अपना काम कर देगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगा। देन आता है एयर। एयर के लिए भी बड़े बड़े, अगर आप शहर में जाएंगे ना, शहर के लोग क्या, उन लोग को आदत नहीं रहता है, प्यूरिफाई दिल्ली की बात कर लीजिए, वहां पर एयर क्वालिटी कितना ज्यादा खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप अपने फोन से चेक कर लीजिए, वहां का वर्स्ट है। तो वहां के शहर के लोग हवा कहाँ से लेंगे, अच्छा हवा, तो वो लोग कहीं मतलब ऐसे मतलब एक्सरसाइज होती है, रूटीन एक्सरसाइज किए जाते हैं, कैंप्स लगते हैं, वहां पर एयर बात कराया जाता है, पहाड़ों के ऊपर खड़े हो, आप कभी पहाड़ों के ऊपर ऐसे खड़े हो जाइए ना, वहां का जो हवा आएगा आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील होने लगेगा। इसका ये मतलब नहीं कि एयर बात के लिए आप हिमालय जाए, नॉर्मल घर से बाहर निकल जाएंगे सुबह सुबह, बढ़िया सुबह का हवा सबसे अच्छा रहता है, सुबह आप बढ़िया वॉकिंग पे निकलिए घर से बाहर, ऑटोमेटिक एयर बात होकर आपकी एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो बैलेंस हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं अपन लोग, फायर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, अर्थ पे आते हैं। अर्थ एलिमेंट ये भी एक फाइव एलिमेंट में से एक है। अर्थ को कैसे बैलेंस करें? कुछ नहीं, इजी टेक्निक, नंगे पाओ जमीन पर चलिए या फिर ग्राउंड पे जाइए, सुबह शाम जब भी आपका मर्जी खाली पैर चलिए, वो आपका अर्थ बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्पेस पे। स्पेस भी एक तरह का एलिमेंट है फाइव एलिमेंट में से। अब स्पेस को आप कैसे बैलेंस करेंगे? बेस्ट टेक्निक है खुली जगह पर शांति से बैठ जाए, चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हो बट शांति से बैठ जाओ, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, खुली जगह पे, क्योंकि स्पेस एलिमेंट, वैक्यूम पे आप बैठोगे, बंद कमरे में बैठोगे कभी वो बैलेंस नहीं होगा, वहां ऑलरेडी एक वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। ये बैठना है दरवाजा खिड़की चारों तरफ से खोल के शांति से बैठ जाइए, इसके लिए बेस्ट मैं मेडिटेशन ही बोलता हूँ। अगर घर पे करना है खुली जगह में तो दरवाजा खिड़की खोलिए, शांति से बैठ के मेडिटेट करिए, आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। तो जब ये आपका पंच तत्व या फाइव एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं तो जो आपकी नेगेटिविटी हाई पे स्पाइक पे रहती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लगता है। तो ये था कॉन्सेप्ट नजर का या फिर इविल आई का, और इससे बहुत ज्यादा मतलब और भी रेमेडीज है, अब इस पे बताया जाऊंगा वीडियो लंबा पड़ जाएगा, तो एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं रेमेडीज डाल दूंगा, वहां जाकर भी पढ़ सकते हैं।